चुनाव के मुद्दे चौटाला साहब बता रहे हैं और मुद्दे अब की बार बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा और जो यहाँ पे आतंक फैलाया गया है भाजपा सरकार द्वारा और कांग्रेस द्वारा, उसको खत्म करने का काम करेंगे। जो ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे यहाँ पे राजनीति हो रही है हरियाणा के अंदर, उसको खत्म करने का काम करेंगे। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति है उसको खत्म करने का काम तो कांग्रेस कर रही है। वो चाहती है कि हम सबको भागीदारी देंगे, हम सबकी बात करें। नहीं नहीं, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर रही। अभी राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे, उन्होंने वहां जाके क्या बयान दिया पता आपको? हम आरक्षण को बचाएंगे, नहीं खत्म करेंगे। हरियाणा प्रदेश में चुनावी माहौल के चलते बहुजन समाज पार्टी और इनलो गठबंधन लगातार धुआंधार रैलियां कर रहा है। ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके जरिए लगातार जो रैलियां की जा रही है, ये तीसरी इस वक्त रैली बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती करने जा रही है। इस वक्त हम लोग असंध में मौजूद है और करनाल के असंध में एक बड़ी जनसभा बहन मायावती के जरिए हो रही है। पीछे मैं आपको एक बार मंच दिखा दूं कि किस तरीके से यहां पर मंच तैयार है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती यहाँ पर मौजूद है, इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और इनलो इस गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के दावेदार अभय सिंह चौटाला भी यहां पर मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी यहां पर मौजूद है। बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके के नहीं तो सभी उम्र दराज के लोग यहां पर मौजूद है। बड़े हैं, बुजुर्ग है, महिलाएँ काफ़ी तादाद में हैं, बच्चे हैं और इसके साथ साथ पिता तुल्य लोग हैं। सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रैली में कहीं ना कहीं शिरकत किए हुए हैं, बहन मायावती को सुनने के लिए आए हुए हैं। एक बार अगर कैमरे को हम घुमाकर आपको दिखाएं तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा जनसैलाब आज असंध के इस अनाज मंडी में मुड़ा हुआ है, जहाँ पर कहीं ना कहीं हजारों की जो तादाद है वो बढ़कर अब लाखों में तब्दील हो चुकी है और बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम आप देख पा रहे हैं। जब जब भी सवाल पूछा जा रहा है मंच से, प्रतिक्रिया है लोगों के माध्यम से दी जा रही है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कितना कुछ काम किया है, उसके पहले कांग्रेस के जरिए कितना काम हुआ है, तमाम बातें जिस तरीके से मंच से की जा रही है उसका प्रतिउत्तर भी असंध में यहाँ पर जो बहन मायावती को सुनने के लिए इस बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के संयुक्त जनसभा में जो लोग मौजूद है वो अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चुनाव को अभी ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। 5 तारीख को वोटिंग होने हैं और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएंगे और वहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिर लगातार जो हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा और इनलो ये गठबंधन जो अपनी दावेदारी मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आखिर 8 तारीख को इसके परिणाम किस तरीके से होंगे। और हर एक रैली के माध्यम से हम आपको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी मुश्किल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले सबसे पहली रैली जो बसपा और इनलो गठबंधन के संयुक्त माध्यम से बड़ी जनसभा के दौरान हुई वो जिंद के उचाना में हुई, एक ऐतिहासिक रैली जिसे कहेंगे, जो कि लाखों की तादाद में वहां पर जनसैलाब था। और वैसे ही अब प्रथला के बाद असंध में बहन मायावती की रैली है, इसके बाद कल यमुनानगर में भी रैली होने वाली है। ये तमाम चीज़ें बताती है कि बसपा वक्त के मुताबिक अपने चीज़ों में, काम करने के तरीके में काफ़ी कुछ बदलाव कर रही है। यहाँ तक कि बहन मायावती के जरिए इस तरीके की लगातार रैलियाँ करना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जरिए जो लगातार हरियाणा प्रदेश में सरकार चलाई गई, इससे हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो कहने के दुखी है, परेशान है, बदलाव चाहती है। और जो बदलाव में सबसे पहली पसंद वो बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के तौर पर ही देखा जा रहा है। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस और, आप देखिए इस और पुरुष बैठे हुए हैं और उस और महिलाएं हैं। यहाँ पर युवाओं की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, अपना समर्थन दर्ज करने के लिए अलग अलग वेशभूषाओं में अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है कि अपने नेता को सुनने के लिए जाया जाए, उनकी बातों को अमल में लाने की कोशिश की जाए। और लगातार हरियाणा प्रदेश में जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार के जरिए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, खासतौर पर यहाँ के जो किसान तबका है उसको जो परेशानियाँ हुई है उस परेशानियों से वो इजाद पाना चाहता है,
उम्मीद कहने का है और उम्मीद के जरिए वो बसपा और इनलो गठबंधन को ही दिखाई देता हुआ गठबंधन को अपना विकल्प या गठबंधन को ही पर अपने नजर निगाहें लगाए हुए है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये शुरुआती दौर है और आप मंच के तौर पर देखिए वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा बहन मायावती खुद मंच पर मौजूद है। इसके साथ साथ अभय चौटाला जी इनका संबोधन जारी है, आकाश आनंद मौजूद है और उनके जरिए भी तमाम यहाँ पर लगातार जो चौपाल के जरिए जिसे चुनावी चौपाल कहा जा रहा है उस चुनावी चौपाल के जरिए भी गांव कस्बों और इलाकों में जाकर बहुजन समाज पार्टी और इनलो गठबंधन की तमाम जो रणनीतियां है, काम करने का तरीका है, गठबंधन से आखिर क्या कुछ होगा वो तमाम चीज़ें साझा की जा रही थी। इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने कितना काम किया, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उसने कितना काम किया वो तमाम चीज़ें और उसका पर्दाफाश करते हुए आकाश आनंद भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों का हुजूम आप देखिए, जहाँ जहाँ तक नज़रें घुमाएंगे वहाँ वहाँ तक आपको लोग दिखेंगे। मंच के आखिरी तक, आखिरी पंडाल तक इस पूरे के पूरे अनाज मंडी में लोगों का एक बहुत बड़ा तांता लगा हुआ है, वही तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम चीज़ें आपके साथ रूबरू करने की आवश्यकता हो जाती है क्योंकि बहुजन समाज के राजनीति को, किसान तबके के चलने वाले अपने वजूद की लड़ाई को लड़ने के लिए किस तरीके से वो संघर्ष कर रहा है, कैसे वो चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, ये बात इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया नहीं दिखाना चाहता और इसीलिए बहुजन मीडिया की ये कहने की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऐसे चुनाव आते हैं जहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी और तमाम मनुवादी पार्टियां हैं और इन मनुवादी पार्टियों को बड़े पैमाने पर दिखाने का काम किया जाता है, लेकिन जब बारी इस देश में बहुजन राजनीति की आती है, बहुजन समाज से आने वाली राजनीतिक पार्टियों की आती है, तब कहीं ना कहीं इनका जो रवैया है वो दोहरा चरित्र वाला दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम बहुजन मीडिया के जरिए तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुजन समाज को, उसकी राजनीति को करने के लिए उसके हौसले बुलंद जरूर करेगी। बसपा को लेकर अमूमन कहा जाता है कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा में कुछ बचा नहीं रहा, बसपा में मिशन मूवमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जनसभाओं में, रैलियों में जो लोग मौजूद होते हैं वो लोग अपने भाड़े से, अपने पैसों से, अपने संसाधन से आते हैं, न कि किसी भी तरीके से उनको पैसा देकर भीड़ जो है वो इकट्ठा की जाती है, बुलाई जाती है और ये सबसे बड़ी खासियत बहुजन समाज पार्टी के जनसभाओं में देखा जाता है। लोग यहाँ पर मौजूद है, एक दो सवाल उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आज की रैली को लेकर, कितने लोग होंगे आपके अनुमान से? लाखों की संख्या में लोग है जी, लाखों की संख्या में। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद की जा रही है इस गठबंधन से? गठबंधन बहुत मजबूत रहेगा सर, बिल्कुल। असन में क्या कहेंगे राणा जी? गोपाल राणा 15,000 वोटों से जीतेंगे, 15-20,000 वोटों से। क्या कारण है इसके पीछे का? कारण इसके पीछे भाईचारा है जी, उन्होंने भाईचारे की मिसाल रखी है, 12 साल से समाज के बीच में रहे हैं और भाईचारा ही, मतलब हर गांव में, हर 36 बार भाईचारा की बात तो कांग्रेस सबसे ज्यादा करती है, वो कहती कि हम सबको भागीदारी, वोट डालो राज करो की नीति अपनाई उन्होंने, तो DSC अभी लागू कर दिया था, SC को SC वर्ग में बांट रही है, जाटों को जाटों से लड़ा रही है सबको। एक मिनट, जाटों को जाटों से लड़ाना मतलब? हाँ जी, कैसे? जैसे जाटों को, मतलब कि ये जो जैसे हमारे अभी इन्होंने वो कर दिया था किसान आंदोलन में, जाटों को मारा, सरदारों को मारा, जट सिखों को आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान जो इस्तीफा दिया था, क्या उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क है सर, किसान और कमेरा वर्ग का जो गठबंधन है ये बिल्कुल कामयाब होगा सर। युवा मेरे साथ है, साथी दोस्त है, आ जाओ आप, आगे आ जाओ। क्या नाम है, कहाँ से हो आप? गांव राहड़ा से। गांव राहड़ा से। क्या कहता है, बेरोजगारी के आंकड़े कितने हैं यहाँ पर? बेरोजगारी है? बेरोजगारी, रोजगारी का, बेरोजगारी नंबर वन हरियाणा, नंबर वन बेरोजगारी तो है, क्या रोजगार कहाँ यहाँ? युवा नशा में नजर आ रहा है? युवा नशे में है, ये नशे में भी है, नशे पर रोकथाम नहीं लगी तो युवा नशे में ही होगा, अगर कोई शिकंजा कसेगा नशे के ऊपर तो नशा नहीं होगा तो फिर इसकी सरकार चाहिए BSP की और प्लस रिनल्ड की। चलिए, तो ये तमाम चीजें हम जो अहम मुद्दे है वो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। सर आगे आ जाइए, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा या फिर ऐसा आना पड़ेगा।
जी सर, क्या नाम है बताए? हमारा मोड़ी साहब है। कहाँ से आए हैं? हम हल्का नीलोखेड़ी, जिला करनाल, हरियाणा से। क्या है इस चुनाव के मुद्दे? इस चुनाव के मुद्दे चौटाला साहब बता रहे हैं, और मुद्दे अब की बार बेरोजगारी, स्वास्थ्य चिकित्सा, और जो यहाँ पे आतंक फैलाया गया है भाजपा सरकार द्वारा और कांग्रेस द्वारा, उसको खत्म करने का काम करेंगे। जो ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे यहाँ पे राजनीति हो रही है हरियाणा के अंदर, उसको खत्म करने का काम करेंगे। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति है, उसको खत्म करने का काम तो कांग्रेस कर रही है। वो चाहती है कि हम सबको भागीदारी देंगे, हम सबकी बात करें। नहीं नहीं, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर रही। अभी राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे, उन्होंने वहां जाके क्या बयान दिया पता आपको? हम आरक्षण को बचाएंगे। नहीं, खत्म करेंगे। आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आप उसको पूरा पढ़िए, सुनिए। उन्होंने कहा कि हम इसको आरक्षण के सबसे बड़े हितेशी राहुल गांधी हैं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे हैं? अगर हितेशी होते, अभी वर्गीकरण हुआ, उनका संविधान को राहुल गांधी बचाएंगे। अरे कैसे बचाएंगे बताएं ना आप। अभी वर्गीकरण हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, ठीक है, और संविधान बचाने के नाम पे कांग्रेस ने वोट ली, उनके बहुत से सांसद बने। क्या आपकी नजर में कोई एक सांसद आया आपके सामने जिसने विरोध किया हो कि भाई ये वर्गीकरण संविधान के अपोजिट है, गलत है? आया कोई? नहीं आया। एक भी सांसद नहीं बोला संविधान बचाने के नाम पे लेके सांसद बन गए, लेकिन एक भी सांसद सामने नहीं आया कि इसके खिलाफ हम बोला। हुड्डा जी कह रहे हैं शैलजा कुमारी मेरी बहन है। हुड्डा जी ये भी कह रहे हैं, अपमानित शब्द भी बोल रहे हैं, उनके समर्थक अपमानित शब्द भी बोल रहे हैं। एक नेता था अशोक तंवर, उसको भी अपमानित शब्द बोला गया, उस पर हमला भी हुड्डा द्वारा करवाया गया था। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग कहते कुछ और करते कुछ है। हुड्डा की जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है। शैलजा को खाते में उसने कितनी सीट आने दी मनमानी की? आप शैलजा का इंटरव्यू सुनिए, शैलजा जी का आप इंटरव्यू सुनिए कि मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है हुड्डा समर्थकों द्वारा। क्या लगता है जो शैलजा कुमारी का अपमान हुआ, क्या इससे दलित वोटों को में कोई फर्क पड़ेगा जो अमूमन तौर पर कांग्रेस के तरफ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो हुड्डा के इसके बहन शैलजा के कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने नीचे ही नीचे मुहिम चला दी है कि हुड्डा समर्थक जितने हुड्डा के टिकट दिए हुए कैंडिडेट हैं उनको हराने का काम करेंगे। और जो चमार समाज है, खासकर मैं चमार समाज की बात करूंगा, वो अपनी नेता शैलजा के अपमान को सहन नहीं कर पा रहा है और वो कांग्रेस के खिलाफ वोट देगा, गठबंधन को वोट देगा, बसपा को वोट देगा, इनको जिताने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये तमाम हम चीज़ें आपको आपके बीच रखने का काम कर रहे हैं। क्या आखिर रैली में जो बड़ा हुजूम है, एक बड़ा जनसैलाब है, आखिर इसकी क्या मांग है, क्या उम्मीद है, क्या चाहता है ये गठबंधन से, वो तमाम चीज़ें आपके साथ हमने रखने की कोशिश की है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल जयपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय।